दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही बेहतरीन से प्लान के। जैसा कि स्क्रीन पर आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, इसी प्लान को डिस्कस करने वाले 25x40 में मॉडल बना हुआ है। इसे पोर्स दोस्तों अलग से इंक्लूड मैंने कर रखा है। हमारे सब्सक्राइबर तो उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया था, हालांकि उन सब्सक्राइबर ने हमें बहुत सारा परेशान किया क्योंकि उनको मैंने 2 से 3 बार में मॉडल दे पाया, जबकि इतनी गुंजाइश नहीं होती बार बार 3D को चेंज करना। बट उनकी रिक्वायरमेंट थी, फिर भी मैंने उनको 2 से 3 बार एडिटिंग करने के बाद इस मॉडल को दिया है और फाइनल उन्होंने ये डिसीजन लिया है। तो ये पूरा मॉडल बहुत ही खूबसूरत होने वाला है 25x40 फिट में, जिसमें पोर्च डिजाइन भी है, साथ साथ बेडरूम्स और बारंदे का डिजाइन भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और एक अच्छे से घर की तलाश कर रहे हैं, एक अच्छे से घर के डिजाइन की तलाश कर रहे हैं, तो आपकी ये डिजाइन आपकी डिजायर को फुलफिल कर सकता है। तो आज हम इसी प्लान को डिस्कस करेंगे। बने शुरू में लगातार मैं हूं कौन झागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों, स्मॉल हाउस प्लान को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सके। तो ये देख पा रहे हो दोस्तों, पूरा बेहतरीन सा प्लान आपके सामने मैंने डिस्कस किया है 25x40 फिट में। इसका पोर्च अलग से है जो कि लगभग 12 फिट आगे मैंने बना रखा है और ये 2 पिलर है जिसमें पूरा पोर्च टिका हुआ है। ये ग्रामीण क्षेत्र का मकान है, 3 साइड क्लोज्ड है दोस्तों, तीनों साइड से बंद है, सिर्फ पीछे से 2 साइड क्लोज है, पीछे से इनका ओपन है, इसलिए इनको डोर दिया है, एक विंडो भी दिया है और फ्रंट में और बैक साइड ओपन है। तो ये पूरा डिजाइन होने वाला है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, इससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू और समझ में आ जाए। इसी ग्रिल वगैरह का डिजाइन आप देख सकते हैं, इसका जो भी मैंने डिजाइन किया वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है जो पूरा बना हुआ प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले इसका टॉप व्यू आपको दिखा देता हूँ, ये टॉप से आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा इनका पोर्च है जिससे स्टेयर्स मैंने 3 साइड्स दी हैं, यहाँ से आप स्टेयर्स चढ़ना स्टार्ट करेंगे। 2 पिलर है जिसपे पूरा मकान टिका है इसका। ये आपका मेन डोर है जिससे एंट्री करेंगे, लेफ्ट और राइट साइड बेडरूम है, इसीलिए दोनों तरफ मैंने विंडो जो कि राउंड शेप में दिया है आपको देखने को मिल रहा होगा। जैसे आप मेन डोर से एंट्री करते थे एक बड़े से हॉल में, ये पहले इनका बारंदा था बट इसे क्लोज करके बड़ा सा बेडरूम कन्वर्ट कर लिया है। साइड में भी आपको एक बेडरूम देखने को मिलता होगा, इस बारंदे से भी आप बेडरूम में एंट्री कर सकते हैं, मैंने डोर दिया है। साथ साथ इसके बाद इसी बारंदे से ये मेन डोर दिया है जहाँ पर आप अंदर जाएंगे, जो कि आपको आंगन या आप डाइनिंग हॉल इसे बोल सकते हैं, मिल जाता है। इसका दिया आपकी स्टेयर्स हैं, इससे टर्न होकर आप ऊपर जाएंगे, स्टेयर्स के जस्ट नीचे लेट बाथ क्रिएट कर रखा है मैंने, और ये आपका किचन एरिया है। और ये 2 लेफ्ट और राइट साइड आपको और बेडरूम मिल जाते हैं। बीच में 4 फिट का गैलरी है जो कि आपको पीछे जाने के लिए रास्ता देता है, जो कि 25 फिट इसका फ्रंट था, 25 फिट चौड़ाई है, तो 4 फिट का गैलरी और दोनों आसपास बेडरूम्स का डिज़ाइन आपको मिलता है। और ये पूरा इस बात करें इसमें 4 बेडरूम, बड़ा सा डाइनिंग हॉल, किचन, लेट बाथ, स्टेयर्स और एक बेहतरीन सा पोर्च डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। मैं मैक्सिमम जूम कर देता हूँ, इससे आपको चीज़ें और रियलिस्टिक लगें और चीज़ें समझ में आ जाए। अब बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की। ये दोस्तों लास्ट फ्लोर है, चारों तरफ 3.5 फिट का बाउंड्री वॉल मैंने क्रिएट कर रखा है, जिसमें ग्रिल का डिजाइन आप देख सकते हैं कितना हट के और अलग होने वाला है। ये स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी बना रखी है जिसको बरसात में पानी वगैरह ना जाए, इसमें मैंने एक विंडो और डोर भी दे रखा है जिससे प्रॉपर चीज़ें आप समझ सकें। तो ये पूरा डिजाइन था 25x40 का, जो कि आपको 1000 स्क्वायर फुट में पूरा मॉडल बनकर रेडी हो जाता है। तो दोस्तों, ये प्लान आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने दोस्तों एक अपनी पेड सर्विस स्टार्ट कर रखी जिसके तहत आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो कि हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है और आप हमें उस पर कॉल मत करिएगा क्योंकि कॉल नहीं लगने वाला, केवल आप व्हाट्सअप से चैट कर सकते हैं और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आप हमें बताइएगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पेमेंट बताऊंगा, जिसमें कि 50% आपको एडवांस करना होता है, 50 बाद में करना होता है। ध्यान ये रहे जब आपकी हमसे बात हो जाए तभी आप पेमेंट करें, अन्यथा अन्य व्यक्ति को पेमेंट बिल्कुल ना करें, खास करके कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबरों पर बिल्कुल ही कॉल ना करें, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर हमारा दिया है व्हाट्सएप नंबर उसी पर कॉन्टैक्ट करें। तो ये जो प्लान था आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर कर दें, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।